ये क्वेश्चन है, एक मेरे पास मैसेज में आया था जो मेरे लायक क्वेश्चन है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं जिस क्वेश्चन की मांग कर रहा था, मैं एक्चुअल में वही क्वेश्चन है, उन्होंने दिया हुआ है, मैंने पढ़ा क्वेश्चन, उन्होंने दिया हुआ है कि उन्होंने वास्तु करा रखा है सारा, उससे उनको कुछ हुआ नहीं। बहुत सारी चीजें हैं घर में, अभी हम देखते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम का निदान करना कैसे है। कई बार प्रॉब्लम होती नहीं है, हम उसको प्रॉब्लम बना लेते हैं। कई बार शरीर में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जरा सी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हम समझ नहीं पाते, डॉक्टर भी समझ नहीं पाता, और उस प्रॉब्लम की वजह से हम 20 और प्रॉब्लम पैदा कर लेते हैं। शरीर में भी, घर में भी यही कर लेते हैं, पता होता नहीं है कि यही प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम और भी चीजें प्रॉब्लम पैदा कर लेते हैं। उस ये एक अच्छा केस है। मैं इंतजार कर रहा था ऐसे क्वेश्चन का, मैं इंतजार कर रहा था। धन्यवाद आपको, मुझे दुख है कि आपके क्लाइंट के साथ ऐसा है, मगर इस क्वेश्चन के आने के लिए परमात्मा का धन्यवाद। ये तंत्रावास्तु ठीक करता है ऐसे क्वेश्चन को, और एक्चुअलिटी है कि जितने प्रॉब्लम में, जिस घर में आप जितने प्रॉब्लम में हैं, आप घर को बेचकर चले जाएंगे, दूसरा जो घर मिलेगा आपको वो भी उतने प्रॉब्लम वाला ही मिलेगा, उससे नीचे वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेचना, शरीर में बीमारी हो गई, शरीर को छोड़ देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। शरीर को ठीक करना सॉल्यूशन है, जिस भी हिसाब से हो पाए शरीर को ठीक करना सॉल्यूशन है। बहुत साल हो गए मकान लिए हुए, डुप्लेक्स है, फर्स्ट फ्लोर फॉर फर्स्ट फ्लोर, सो कट SWWSWW कट पोर्शन ड्यू टू डबल हाइट एनी किचन, NW सीवर चैम्बर है, लेवल डिफरेंस एग्जैक्टली एट ब्रह्म स्थान। सारी प्रॉब्लम इनके हिसाब से घर में सारी प्रॉब्लम है। अब इसको सेल करना चाहते हैं, कई बार वास्तु भी करा चुके हैं, कई बार का मतलब 2-3 वास्तु शास्त्री से वास्तु करा चुके हैं, या इसमें कुछ ऐसा है, बहुत है, इतना मैं पढ़ूंगा तो आपको भी, आपका भी टाइम जाया होगा। इस कहने का सारांश यही है, कई बार वास्तु करा चुके हैं वास्तु से, और खुद भी वास्तु जानते हैं, अच्छी तरह से वास्तु जानते हैं, एक्टिव रहते हैं इसमें। S5 की एंट्री थी, उसको S3 S4 में कराया। डियर, आप एक बात समझिए, जब 3 जोन कटे हों, SW WSW W, मतलब 8 पद कट गए, तो ये कटा हुआ है या नहीं है ये पता नहीं चल रहा आपको। हो सकता है यहां WNW बढ़ा हुआ हो, SW, ये 3 जोन कटे हुए हैं। ये हमने भूमि कटती कैसे है, भूमि का कटान क्या होता है, ये हमने उस टाइम में पढ़ा था। अभी तो मैं वास्तु ही ले लेता हूं। और दूसरा, आप समझिए, आप कहीं भी मकान ले लो, जब तक इस मकान को ठीक से हील नहीं करा लेते, यहां आप ठीक नहीं हो जाते, तब तक इसी फ्रीक्वेंसी की जमीन मिलेगी आपको। ये जमीन से संबंधित नितांत सत्यों में से एक महासत्य है, आपको ऐसी ही जमीन मिलेगी, इसी फ्रीक्वेंसी की जमीन मिलेगी, यही प्रॉब्लम दोबारा आपको झेलनी पड़ जाएगी वहां पर। चाहे आप वहां कट देख के लो, सारी चीजें देख के लो, आपके अंदर वो कट लग चुका है। अब वहां पर आप उस जमीन को इस फ्रीक्वेंसी का बना देंगे आप जाके, पहले तो आप खुद को हील करिए, खुद को इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर करिए, आपको फिर जाके वहां पर कोई और जमीन अपने आप अच्छी जमीन मिल जाएगी। स्टेयर्स एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं, आप स्टेयर्स के लिए तो वही कछुए वाला यूज कर लेना। जो जो उपाय है वो अगर आपने नहीं किया होगा तो उसको आप कर लो। इस तरह की चीजें हम, जहां तक वास्तु आ गया है, इससे ऊपर का जो मैटर है वास्तु, जो तंत्रा वास्तु जिसकी मैं बात कर रहा हूं इतने दिनों से, तंत्रा न्यूमेरो जिसकी मैं बात कर रहा हूं इतने दिनों से, उसमें 100% इसका ऐसे चीजों की रेमेडी है। यहां पर काम आता है, यहां पर जरूरी नहीं है कि वास्तु वहां तक पहुंच जाए, जरूरी नहीं है ज्योतिष वहां तक पहुंचे, जरूरी नहीं है न्यूमरोलॉजी सभी टारगेट में छेद कर ही दे, जरूरी नहीं है। कोई और शास्त्र काम कर जाएगा, कोई और शास्त्र काम कर जाएगा, कोई और शास्त्र काम कर जाएगा। इफेक्ट आपके शरीर पे होता है, मैं आपके शरीर से इफेक्ट गायब कर दूंगा, ये पक्का बता रहा हूं।
इस बात को आप समझिए कि इफेक्ट जो है ना वो आपके शरीर से गायब हो जाएगा, फिर घर से भी गायब हो जाएगा। आप इसको समझिए, अगर कोई प्लॉट है, इसका एस डब्ल्यू है, इसका डब्ल्यू एस डब्ल्यू है, इसका डब्ल्यू है, यहां तक का एरिया कट है अगर, तो ये कट में नहीं आएगा। और सबसे पहले अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप घर से बाहर निकलिए, पहली रेमेडी, घर से बाहर निकलिए, गेट पे जाइए, सारे लोग जितने भी लोग हैं आप अपने घर में, सारे लोग घर से बाहर निकलिए, घर के गेट पे जाइए और उस गेट को, उस घर को सॉरी बोलिए, तहे दिल से सॉरी बोलिए। जितनी आपने इसमें लिखा है ना, जितना उतना आपने कई बार सोचा होगा उस घर के लिए, ईट ईट से सॉरी बोलिए, आज मैं आपकी रेमेडी शुरू कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं आपको। एक दो दिन की बात होती नहीं है, कितने दिन में होना है ये तो समय डिसाइड करेगा, मगर गारंटी है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आता ही है। प्रॉब्लम अपने साथ सॉल्यूशन लेकर पैदा होता है, बशर्ते मैं अपने इस घर को गाली ना दूं, ये तो होता ही होता है। मेरा ये घर है, मेरा ये बच्चा है, मैं इस बच्चे को कैसे गाली दे सकता हूं, मैं इस बच्चे, कई बार शरीर को आप लोग जब गाली देने लगते हैं ना, गाली देने का मतलब ये है कि शरीर को आप कहते हैं ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया, शरीर पे ही आप थूकते रहते हैं, अपने घर पे थूकने लगे, ये कट पोर्शन होगा ही नहीं। पहले आप ये समझिए ना, तीन जोन अगर कटे हुए हैं तो आप उसको कट पोर्शन मत मानिए। यहां से आप डब्ल्यू एन डब्ल्यू, और फिर अगर और कुछ है तो उसको आप एक्सटेंड मानो, इतने को और काट दो, ये एक सा हो गया। सिंपल सी रेमेडी होती है, इतने को या तो और काट दो या इसकी रेमेडी आप करिए ना, इसको आपके अंदर से अगर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू के गुण बढ़े हुए हैं जो लगता है मैसेज में, उसको हील करिए, उसकी रेमेडी करिए, वो ज्यादा अच्छा है। रेमेडी आप शुरू करिए, आप मुझे मैप मैसेज करिएगा, और दूसरा आप ही समझिएगा कि आपका, आपके ये तीनों जोन कटे नहीं है। आप उससे पहले जाके इन तीनों जोन से जाके, और इसमें जितने भी देव बैठे हुए हैं यहां पर, मृग और पितृ, और कौन कौन बैठे, पितृ देवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, अब यहां तक जो गए ना, मृग, पुत्र, देवारिक, ये जितने भी आपके यहां तक हैं, इनसे आप जा जाके सॉरी बोलिए तहे दिल से, ये आपको परेशान कर रहे हैं। आपने इनको काटा कैसे, पहला। और इस घर में आने के बाद हो सकता है स्टार्स ने सपोर्ट नहीं किया हो, हो सकता है और किसी शास्त्र ने सपोर्ट नहीं किया, शास्त्र का मतलब और भी कई सारी चीजें हैं जिसने सपोर्ट नहीं किया हो। आप पहले तो घर के ईट ईट से सॉरी बोलिए जाके कि मैंने आपके लिए गलत सोचा, मुझसे कोई गलती हुई, उसके लिए मुझे क्षमा करिए, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं तो रहने आया हुआ हूं यहां पर, या रहने आई हुई हूं यहां पर, मैं इस घर में रह रहा हूं, अगर इस घर को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसका हील करूंगा ना मैं कैसे भी करके। और उसका प्रॉब्लम कहां पे होना है, इस घर में अगर प्रॉब्लम होगी तो त्वचा पे होनी है, या हड्डी में होनी है, या मांस में होनी है, जो इस घर के, इस घर का जो स्ट्रक्चर है पूरा, इस घर के जो और भी जिससे ये घर बना हुआ है मेरा, इस घर में जो बना हुआ है उसी में कहीं प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं उस चीजों को हील करूंगा। आपके घर में अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो घर का तो कोई सजीव पदार्थ नहीं होता ना, घर आप सजीव हैं, प्रॉब्लम आपको हुई है, आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सीधा हील करिए, प्रॉब्लम पे सीधा हिट करिए, उसको हील करिए, उसकी चीजें मैं आपको बताता हूं। आप मैप शेयर करिएगा, और पहले तो इन कट जोन पे जाइए, जो कट है एनी के किचन में, उसकी हम बाद में बात कर लेंगे। एनी के किचन का इफेक्ट आप पे है तो मेडिटेशन से उसको हील किया जा सकता है। एनी के किचन का जो इफेक्ट होता है, एग्जैक्ट इफेक्ट मेडिटेशन से हील किया जा सकता है। एनी के टॉयलेट का इफेक्ट कुछ हद तक हील किया जाता है, पूरा नहीं किया जा सकता। किचन का तो पूरा का पूरा हील किया जा सकता है मेडिटेशन से, मेडिटेशन से, योगा से, और भी ब्रीदिंग प्रोसेस है जिससे एनी के किचन का हील किया जा सकता है। मुद्रा से भी हील कर दिया जाएगा, आप मुद्रा से हील कर सकते हैं इसको, और कोई बहुत बड़ा है नहीं। आप इसको आगे करिए, आप इन तीन जोन से तो पहले जाके आप देखिए, कट नहीं है, ये जोन एक्सटेंड है, ये जोन एक्सटेंड।
एक्सटेंड है, कोई जोन एक्सटेंड होगा, इतना बड़ा पार्ट कट थोड़ी ना होता है, कट ये हुआ। अगर कट छोटा आधे से ज्यादा लगे तो कट होता है, आधे से कम हो तो वो, ये तो इतना पार्ट हो गया ना, पूरे भूमि में इतना पार्ट तो है ही, ये एक्सटेंड है, ये नहीं है। अभी यहां तक तो हम बेसिक ही कर रहे हैं, जो शरीर से इसकी इन चीजों को हटानी है उसके लिए हम, आप बेसिक का कर लो ठीक से, उसके लिए बात कर लें। और कुछ है सर? जगन्नाथ की पिक्स, सुभद्रा जी और बलदेव जी के साथ हो वो रख सकते हैं, क्योंकि वो भी खंडित प्रतिमा होती है। अगर आपके दिमाग में विष्णु भगवान की भी कोई खंडित प्रतिमा होती है, खंडित नाम आ जाए, खंडित शब्द आ जाए, खंडित में से खा भी आ जाए, तो उसको मत रखना। पैदा आप ही करते हो, तीसरा यहां कोई नहीं है पैदा करने वाला। जो भी दुख है, जो सुख है, वो आप ही पैदा करते हो। ये शास्त्र है, बहुत बड़ा शास्त्र है, ये शास्त्र आने वाले टाइम में मैं प्रूव करने के लिए आप लोगों के समक्ष हूं और रखूंगा ही, घुस घुस के प्रूव कर दूंगा मैं। पैदा आप ही करते हो, तीसरा कोई पैदा करने वाला यहां नहीं है। खंडित का कुछ भी आ गया दिमाग में, आपको ये पता है कि ये वाला गेट नॉर्थ में N3 N4 का गेट, अगर कहीं से भी पता चल जाए और विश्वास हो जाए कि ये गेट गलत होता है, तो आप कतई मत रखना वो गेट। पैदा आप ही करते हो, ये शास्त्र आप बनाते हो, इस शास्त्र पे विश्वास आप करते हो। और जो इससे पहले जिस घर की मैं बात कर रहा था, वो घर किसी मुस्लिम के हाथ बेच लो, उसका कुछ नहीं बिगड़ना, कुछ नहीं होना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होनी उसको। प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्रिश्चियन के हाथ बेच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी उसको, उसका अलग शास्त्र है, उसके आप उस शास्त्र को फिर कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम। अगर किसी का हाथ या पैर ना हो, अच्छा ये कह रहे हैं आप, हाथ पैर ना हो तो भगवान के केवल तस्वीर की बात आप कर रहे हैं, भगवान का तो हाथ पैर दिखाया ही होगा, केवल चेहरा ही चेहरा दिखा दिया क्या कहीं पर? ऐसा मैंने कम देखा है। आप मत रखना, हो सकता है आपकी किस्मत में ऐसी तस्वीर आ रही हो, मैंने तो कम ही देखा। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद समापन करते हैं। आप लोग वास्तु वाले हैं, सब लोग वास्तु वाले हैं, या वास्तु वाले बनना चाहते हैं, या बनना चाह रहे हैं, या बन चुके हैं। ये काम जो होता है ना, ये सन्यासियों का काम होता है, सन्यासी मतलब ऋषियों का काम होता है, ऋषि मुनि जो मेडिटेटिव होते हैं। पहले के टाइम में ज्योतिषी भी वो होते थे जो ठीक से ध्यान मग्न रहते थे, पूजा पाठ में लीन रहते थे, ब्राह्मण होते थे। मेरा ब्राह्मण कहने का मतलब किसी जात से नहीं है, ब्राह्मण कहने का मतलब यह है कि वो मन जो ब्रह्म में लीन रहे, ब्रह्म की चर्या करे, ब्राह्मण होते थे वो लोग, होते थे ज्योतिषी, होते थे वास्तु वाले, होते थे। उनको पता होता था, बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता था, इल्म होता था कि ये जो गेट कर की आवाज आई तो ये कौन सी फ्रिक्वेंसी निकालती है, इससे शरीर में क्या हो गया। सीखता कैसे आदमी, जब कोई डांटता है आपको, डांटने के बाद आपके शरीर में हुआ क्या, और जब कोई ताली बजाता है तो ताली बजाने के बाद आपके शरीर में हुआ क्या, उसी फ्रिक्वेंसी से सीखते हैं आप कि इसको ये बोलना चाहिए और इसको ये बोलना चाहिए। ऐसे करके एक चोर चोरी करके भाग रहा था, उसके पीछे सिपाही पड़े हुए थे कुछ। अब चोर को कुछ सूझा नहीं तो वहां पर एक बुद्ध के मंदिर में जाके बैठ गया, वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ था, वो भी जाके बैठ गया वहां पर और चुपचाप वहां नमो बुद्धाय करने लगा जोर जोर से। सिपाही वहां से आए और उसके बाद उसको देखा, उससे पूछा यहां से कोई चोर गुजरा है, वो नमो बुद्धाय में लगा हुआ था, उसे भी मजा आ गया था थोड़ा। जितने सिपाही थे सबने उसके पैर छुए, ठीक से नतमस्तक हुए और फिर पूछा यहां से कोई चोर गुजरा है। जब सिपाहियों ने पैर छुए उस टाइम में उसने कहा कि देखो जी ये कैसा मजा, मैं फर्जी बना बैठा हूं फिर ये मेरे पैर छू रहे। इतने में उसको कुछ झलक सा दिखा इन चीजों का, जो मैं बोल रहा हूं ना आप समझिए, उस टाइम में आप थे तो उसको झलक दिखा इन चीजों का कि मैं फर्जी बना बैठा हूं, ये मेरे पैर छू रहे।
उन्होंने उसी टाइम बता दिया, देखो जो चोर था वो मर गया, जिसका तुमने पैर छुआ है ना वो अलग आदमी होता जा रहा है, अब कभी मिलोगे तो मैं और बताऊंगा, चोर खत्म ही हो गया, अब वो चोर तुम्हें मिलेगा नहीं कभी भी, चोर को तुमने मार दिया पैर छू के। वो आदमी इसी बात पे मंथन करता रह गया कि जो मैं फर्जी बना बैठा था तो मुझे इतनी इज्जत मिल रही थी, इतना इतना सम्मान मिला मुझे चोर से, अगर ये मैं ओरिजिनल का हो जाऊं तो कितना अच्छा लगेगा, अंदर से कितना अच्छा लगेगा, कितनी ग्रेट फीलिंग होगी मुझे। वो आदमी उसके बाद इन्हीं चीजों पे लग गया करने के लिए, अंदर से बदलने के लिए, चेहरे से नहीं अंदर से बदलने के लिए लग गया, और अंदर से बदला, बहुत बड़ा सूफी संत हुआ वो, बुद्ध के पास से जाके बौद्ध धर्म से। या ये चीजें जब मैं भी जब इस साधना के रास्ते पे हूं ना, किसी एक धर्म से नहीं हूं, जो धर्म मिल जाता है, जो मुझे शांति दे देता है, जो मुझे मेरे रास्ते पे और थोड़ा टुसका देता है, आगे बढ़ा देता है, वही धर्म मेरा है।